हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। एक महिला से शारीरिक शोषण के मामले में स्थानीय अपराध शाखा के एक कर्मचारी के खिलाफ रामनगर चंद्रपुर पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। महिला ने स्थानीय क्राइम ब्रांच में कार्यरत संजय अतकुलवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए आरोप लगाया है कि क्राइम ब्रांच का कर्मचारी पिछले एक साल से डरा धमका कर उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। पीड़िता ने बीती रात रामनगर चंद्रपुर थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की एक बेटी है और शिकायत दर्ज करने के समय उसका पति भी रामनगर पुलिस स्टेशन में मौजूद था। रामनगर पुलिस ने एसीपी के संजय अतकुलवार को हिरासत में लिया है। इस अपराध की जांच एडिशनल एसपी जनबंधु के साथ चंद्रपुर उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुधाकर यादव कर रहे हैं। चंद्रपुर स्थानीय क्राइम ब्रांच इस साल सुर्खियों में रहा है। हाल ही में एक चोरी का मामला उजागर हुआ था, जिसमें एलसीबी का एक कर्मचारी घर फोड़ी जैसे अपराध में मास्टरमाइंड की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिया और अब इस तरह के घिनौने आरोप स्थानीय अपराध शाखा के कर्मचारी पर लगने से आम जनता में रक्षक बने भक्षक की चर्चा की जा रही है। साथ ही उस महिला का आरोप ये भी है कि उसका शोषण एक नहीं तीन पुलिस कर्मचारियों ने किया था, लेकिन अपराध सिर्फ एक पर ही दाखिल हुआ है। वहीं महिला की मांग है कि दोषियों को निष्पक्ष जांच कर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। सर, मेरे साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। आज एक साल से मैं पुलिस वालों की हवस की शिकार बनी हूँ। मेरे साथ में जोर जबरदस्ती हो रहा है। मेरे पति को मर्डर केस में फंसा के मेरे को बोलते हैं कि मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो तेरे पति को और मर्डर केसों में फंसाएंगे। मेरे से जोर जबरदस्ती मेरी इज्जत लूटते गए, साल भर से लूट रहे और आज भी लूट रहे सर। आज मेरे पति एक्सीडेंट में पड़े हैं, आके घर में बोलते हैं कि तू इतना पैसा ले और मेरे साथ में सो। संजू मेजर लूट रहा है मेरी इज्जत, संजू मेजर एलसीबी वाला है, एलसीबी वाला। मैं आई हूँ सर 7 बजे से, नहीं हुई है सर, खाली हमको बाहर बिठा दिए गए हैं और हमारी अभी तक रिपोर्ट लिए नहीं। हाँ, एक मैडम है मेरे साथ में, वही मेरी बहुत मदद कर रही है। एक महिला है, महिला अध्यक्ष की ये है वो, उन तक आई मैं, उनको सब दिल की बात बताई। मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ सर, मैं बहुत मजबूरी में उनके पास में, इतनी टॉर्चर हो गई हूँ, थक चुकी हूँ, ये लोग मेरी इज्जत लूटते लूटते मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मेरे को एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं फांसी लगा के अभी आत्महत्या करूंगी। मेरी एक छोटी बच्ची है सर, मुझे न्याय दिलाइए। मेरा पति एकदम एक्सीडेंट होके एकदम लूले पड़े और मेरे साथ में अत्याचार पे अत्याचार कर रहे हैं लोग, पुलिस वाले एलसीबी वाले कर रहे हैं मेरे साथ में। मैं इन लोगों के साथ अभी सो नहीं सकती सर, बहुत दारू पी पी के मेरे को ये लोग बहुत गंदा गंदा हरकत कर रहे हैं मेरे साथ। मैं थक गई हूँ अब लड़ते लड़ते। अब मेरे पास में एक ही रास्ता है, इन लोगों ने मेरे को नई न्याय दिलाए तो मैं फांसी लगा के आत्महत्या कर दूंगी सर। तो उसके बाद में इसके जिम्मेदार होंगे ये एलसीबी वाले, संजू मेजर वगैरह, क्रैम जल और सरदार। मैं सरिता माली, फ्रेंड्स चैरिटी ग्रुप की अध्यक्ष। आज हमको यहाँ पे रामनगर थाने में आए तो एक ऐसा मैटर पता चला कि एलसीबी के जो कर्मचारी है एक महिला के साथ साल भर से शोषण करते हुए आ रहे है और उसके साथ लगातार बलात्कार जैसे कर रहे हैं। तो उसकी 8 साल की लड़की है और उनके पति पे भी कुछ आरोप लगे थे। उनका कहना है कि उनके पति को मर्डर के केस में फंसाया गया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है हमें पता नहीं, लेकिन आज रक्षक ही एक भक्षक बन गया तो महिलाएं किसके पास जाएंगी और किससे न्याय मांगेंगी। तो मेरी ये विनती है कि अगर इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो हम महिला शक्ति और महिला जो भी सब भी नारा लगाएंगे और है ना एक हम आंदोलन जैसा करेंगे और महिलाओं के लिए न्याय के लिए हरदम खड़े रहेंगे। तो मेरी इतनी प्रशासन से विनती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और फांसी की सजा देनी चाहिए। एनबी संदेश के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।